अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उमेरान हूँ। मैं क्वालिफाइड हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आ गई है जी जनाब, पिंक फ्लूइड के ऊपर। जो मैंने आपको बताया था, गेम चेंजिंग फ्लूइड है, आपकी बेस को बहुत अच्छा कर देता है, ग्रे नहीं करता, फटती नहीं है, फ्लॉलेस बन जाती है और बहुत खूबसूरत सा एक ह्यू आता है। तो काफ़ी लड़कियों ने कहा कि आप ही, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते और हमें मिल नहीं रही, आप एज ए हर्बलिस्ट आप हमें बताएं। आप कॉस्मेटिक्स भी बनाती हैं, आप अपना ब्रांड भी लॉन्च कर रही हैं, तो आप बताएं कि ये किस तरह से बनेगा। ठीक है जी, ये इसको बनाने के 3 तरीके हैं। एक बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है, 2 जुगाड़ हैं जिनको हम हैक्स बोल सकते हैं। ये आप देख लें, आप ये निविया की सॉफ्ट वाली क्रीम ले लीजिएगा मॉइस्चराइजर, क्योंकि ये पॉलर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो मैं इसी से बना रही हूँ, वरना इसमें क्लिनजिंग मिल्क यूज़ होगा। ठीक है, जो असल बात है, आप लोगों ने थोड़ी सी ये ले लेनी है। अब इसका पहला तरीका ये है, ये आपने पिंक कलर का कॉस्मेटिक वाटर कलर लेना है। ठीक है, ये जहन में रखना है। अगर आप बना रहे हैं ड्राई स्किन के लिए, तो आप कॉस्मेटिक्स वाला आपने ऑयल कलर लेना है। अगर आप बना रहे हो तमाम स्किन्स के लिए, तो आप लोगों ने ये वाटर कलर ले लोगे तो आपका काम ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है जी, वाटर कलर जाता है। अच्छा, सेकंड तरीका ये है कि आप लोग एक हैक इस्तेमाल कर सकते हो, जुगाड़ जिसको बोल सकते हैं, या आप टिंट डाल सकते हो पिंक कलर का इसके अंदर एक ड्रॉप, ये आपकी अपनी मर्जी है। बिल्कुल सेम टू सेम वही रिजल्ट आएगा और वैसा ही बनेगा। ठीक है जी, इसका थर्ड तरीका ये है कि आप लोगों ने कोई सा भी पैलेट ले लेना है, ग्लॉसी पैलेट हो, लिपस्टिक हो, लेकिन ग्लॉसी होनी चाहिए। ठीक है ना, या आपके पास कोई भी जैसे ग्लॉस पड़ा हुआ हो तो वो ले। जैसे इसका एक कलर मेल्ट हुआ हुआ है ना, ये वाली इसके अंदर जाएगा, ये वाला कलर जाएगा और शेड नहीं जाएगा पिंक का। ये आप लोग इधर ज़रा गौर से कर लो और इसको आप जूम इन करके पिक्चर बना लो, ये वाला शेड जाएगा पिंक फ्लूइड में। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इसको इसी से ही बनाने लगी हूँ जो मेरे पास वाटर कलर है। अच्छा, ये कपड़ों वाला कलर नहीं है, खाने वाला कलर नहीं है, ये ख्याल करना है आप लोगों ने, ये कॉस्मेटिक कलर है। ठीक है जी, ये देख लें, ये मैंने थोड़ा सा डाला है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा और इसको डाला है ताकि ये मज़ीद डार्क पिंक हो जाए, ताकि जो ब्लेमिशेस हैं, जो ग्रे हो जाती है फाउंडेशन, जो कुछ भी हो जाता है ना, वो इससे ठीक हो जाए। आप लोगों ने थोड़ा सा टिंट डालना है और बना लेना है। ठीक है जी, ये देख लें, ये हम लोगों ने ये बना लिए, ज़बरदस्त है, ये हमारा पिंक फ्लूइड बन गया। अब हम इसको 2 तरीकों से यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ये पिंक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जब हम क्लिनजिंग मिल्क डालते हैं ना, तो वो वाइटिश सा हल्का सा कास्ट आती है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अगर आपने वही सेम टू सेम बनानी है, वाइट कास्ट आए, तो आपने वैसे कर लेना है। अच्छा, आप लोगों ने मेकअप करने से पहले ना, इसको अपने पूरे फेस पे लगा देना इस तरीके से। ठीक हो गया, इस तरीके से लगाने के बाद आपने इसको 3-4 मिनट के लिए छोड़ देना। आपको पता है ये निविया का आप लोग सॉफ्ट मॉइस्चराइजर वैसे भी यूज़ करते हो फाउंडेशन बनाने से पहले, तो इसके अंदर ये डाल लोगे तो आपकी जो फाउंडेशन है ग्रे नहीं करेगी और बिल्कुल इक्वलाइज हो जाएगी, यूँ समझिए न्यूट्रलाइज का काम करेगा। ठीक है जी, अब आप ये देखें, कोई से भी आपने फाउंडेशन लेनी है, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी इसके अप्लाई करने के, दोनों से आप कीजिएगा। ये चीज़ें घर में होती हैं, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे ज़रूर आपने बताना है कैसा असर आया है। बहुत ज़बरदस्त आएगा, जिनका ग्रे होने का, फटने का प्रॉब्लम है ना, वो ख़त्म होने वाला है। अच्छा, आप लोगों ने ये फाउंडेशन ले ली हल्की सी इसी के ऊपर। ठीक है, 4-5 मिनट पॉज देने के बाद फिर आपने इसको लगाना है डैबिंग डैबिंग मोशन में, और फिर आपने इसको स्पंज से सेट कर देना है। और यकीन करें, ये इतनी खूबसूरत फाउंडेशन बनेगी ना आपकी, जो ओरिजिनल पिंक फ्लूइड है ना, उससे भी ज़्यादा प्यारी बनेगी। या आप वो कर लीजिएगा, आपकी जिस टाइप की स्किन हो ना, आप वही डाल लीजिएगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप क्लिनजिंग लोशन डाल लीजिएगा, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो क्लिनजिंग मिल्क डाल लीजिएगा। सब स्किन के लिए बनाना है तो आप निविया सॉफ्ट चूज़ कर लीजिएगा। ये देखें, ये सेट हो गई है, ये कहीं नहीं जाएगी आपकी फाउंडेशन और बिल्कुल भी ग्रे नहीं करेगी। ठीक हो गया, यहाँ थोड़ा सा लाइट का इशू था, ये मैंने सिर्फ मोबाइल की लाइट जलाई हुई है और लाइट गई हुई थी, मैंने कहा वीडियो बना दूँ, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने कहा चलें आप लोग, रिजल्ट तो नजर आ ही जाएगा। अच्छा, दूसरा मेथड ये है कि आप लोगों ने फाउंडेशन लगा लेनी है इस तरह से, उसके अंदर आपने थोड़ा सा ये पिंक टिंट मिक्स कर देना है। ठीक है, पिंक टिंट मिक्स करके आपने फाउंडेशन इस तरह से बना लेनी है। ये देखें, ये हो गई। ठीक है, एक तरीका ये है कि पहले अप्लाई कर लें फिर फाउंडेशन कर लें। दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा आपने यही वाला पिंक फ्लूइड जो हमने बनाया है फाउंडेशन के अंदर मिक्स करें और उसके बाद आप इसको लगा लें। बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन बनेगी, आप लोग खुद देख के हैरान हो जाओगे कि आप इन्हें क्या बताया है। ये देख लें, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो अपने आप चीक्स पे लगा सकते हो, उसके ऊपर आप ब्लशन लगाओगे तो बहुत प्यारा रिजल्ट आएगा।
आप लोग खुद हैरान हो जाओगे कि आप ये क्या आपने बता दिया है। ये आप लोगों ने करके जरूर बताना है। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा क्लिप कट गया है, जिसके अंदर मैंने फाउंडेशन में ये थोड़ी सी ये जो बनाई हुई है पिंक फ्लूइड ये कट गई है, तो आप लोगों ने थोड़ी सी मिला लेनी है और मिक्स करके लगा लेनी है। और मुझे आपने इसका फीडबैक जरूर देना है, क्योंकि ये मैंने आपसे ऑथेंटिक रेमेडीज आप लोगों से शेयर किए हैं, तो आपने जरूर मुझे बताना है कि किस तरह का रिजल्ट आया। और जिसकी ग्रे हो जाती है ना फाउंडेशन, अब बिल्कुल भी नहीं होगी। और आप लोगों ने यूज़ करके दुआ में याद रखना है, कुछ पढ़ के हदिया कर देना मेरी आखिरत के लिए, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।